सभी लोगों का आराध्य साइनी ब्लॉग्स में एक बार पुनः फिर से स्वागत। तो आज फिर आपके लिए एक मोटिवेशन स्टोरी लेके आया हूँ। मुझे पूरा विश्वास है कि स्टोरी आपको पसंद आएगी और यह स्टोरी आप में नई ऊर्जा का संचार करेगी। तो बिना समय गवाए हुए स्टोरी शुरू करते हैं। तो एक समय की बात है, एक दिव्यांग राजा था जिसके साम्राज्य में पूरी प्रजा और राजा सभी लोग खुश थे। किसी को भी किसी प्रकार का कोई भी दुख नहीं था और वहाँ की प्रजा और वह वहाँ का राजा, उनको किसी भी प्रकार का कोई मलाल नहीं था कि मैं दिव्यांग हूँ, या प्रजा को ये मलाल नहीं था कि हमारा राजा दिव्यांग है। एक दिन वह राजा अपने राजमहल के गलियारे में भ्रमण कर रहा था। तो राजा ने देखा कि जो राजमहल की दीवार है उस पे उस राजा के पूर्वज अर्थात उसके पिता, उसके दादा के पिता इत्यादि अनेक शूरवीर राजाओं की फोटो पिक्चर लगी हुई थी। तो राजा उन सभी पिक्चरों को देखता रहा और अपने मन में सोचता रहा कि भगवान का बहुत बड़ा सौभाग्य है जो मुझे ऐसे राज परिवार में जन्म दिया। तो राजा देखते देखते उस दीवार की अंतिम छोर पे पहुंच गया। तो जब अंतिम छोर पे पहुंचा तो राजा के मन में विचार आया कि अब इस अंतिम छोर पे मेरी फ़ोटो लगेगी। तो फिर राजा ने सोचा कि यदि अगर मेरी फ़ोटो लगेगी तो मैं तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं दिखूंगा, क्योंकि मेरी एक पाँव नहीं है और एक आँख नहीं है। तो राजा चिंता में पड़ गया। फिर राजा ने मन ही मन में सोचा कि क्यों ना मैं अपने जीते जी एक फ़ोटो तैयार करा दूं और उसे देख सकूं। तो राजा ने अपने सेनापति को आदेश दिया कि इस राज्य में या इस राज्य के बाहर जितने भी पेंटर हैं, जितने भी चित्रकार हैं, उन सभी को राजमहल में बुलाया जाए। तो दूसरे दिन सभी पेंटर्स और सभी चित्रकार उस राजा के राजमहल में आ गए। तो राजा ने कहा कि आप सभी में से जो भी मेरी सबसे अच्छी तस्वीर बनाएगा उसे बहुत सारा उपहार दिया जाएगा। तो पेंटर सोच में पड़ गए कि हम लोग फ़ोटो तो बना लेंगे लेकिन फ़ोटो अच्छी नहीं बनेगी, क्योंकि राजा की एक आंख और एक पैर नहीं है, और यदि फ़ोटो अच्छी नहीं बनी तो राजा उसके लिए हमें सजा भी दे सकता है। तो सभी लोगों ने, सभी पेंटर्स ने मना कर दिया कि हम नहीं बना सकते हैं। उन्हीं के बीच में से एक लड़का था, लगभग राह 17-18 साल का ही रहा होगा। तो उसने आवाज़ निकाली कि मैं फ़ोटो बना सकता हूँ। तो सभी पेंटर्स और राजा अचंभित हो गए कि यह लड़का भला कैसे फ़ोटो बनाएगा। तो फिर राजा ने कहा ठीक है, अगर आप बना सकते हैं तो बनाओ। तो उस लड़के ने राजा से 24 घंटे का टाइम मांगा और अपने घर चला गया और फ़ोटो बनाने में तैयार लग गया। दूसरे दिन फिर राजमहल में सभी लोग बहुत प्रस्तुत हुए, तो वह लड़का भी फ़ोटो के साथ प्रस्तुत हुआ। जब उस लड़के ने फ़ोटो राजमहल में दिखाई तो दिखाते ही सभी लोगों ने तालियां बजाना शुरू कर दिया। तो दोस्तों, अब आप सोच रहे होंगे कि उस लड़के ने फ़ोटो कैसी बनाई और तालियां आखिर में क्यों बजने लगी। तो दोस्तों, उस लड़के ने राजा को घुस एक घोड़े पे सवार तीरंदाजी करते हुए दिखाया, और तीरंदाजी दिखाते समय लड़के ने राजा की एक पांव जो सही थी वो दिखाई, और दूसरी वाली पांव जो घोड़े के साइड में थी वो नहीं दिखाई, जो राजा की थी भी नहीं। और फिर राजा तीरंदाजी कर रहा था, तो तीरंदाजी करते समय एक आंख से निशाना लगाना पड़ता है। तो जो आंख राजा की सही थी उससे निशाना लगाया, और जो आंख नहीं थी उसे बंद रखा, और इस प्रकार से तस्वीर पूरी की। तो आप लोग सोच सकते हैं कि परिस्थितियाँ उन सभी पेंटर्स के साथ और उस लड़के के साथ
एक जैसी थी, लेकिन उस लड़के के मन में सकारात्मक विचार रहे होंगे जो उसने प्रयास करने के लिए मना नहीं किया और अपना कार्य आगे किया। तो हमको भी यही सीख मिलती है कि हमें भी कोई भी कार्य कितना भी कठिन क्यों ना हो, प्रयास जरूर करना चाहिए। क्या पता करते करते कुछ आइडियाज़ मिल जाए और हम अपने कार्य को पूरा कर लें जैसे कि उस लड़के ने किया है। तो आज की स्टोरी आपको कैसी लगी? अगर आपको अच्छी लगी है तो आप लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। और यदि अगर आपने पहली बार चैनल पर विजिट किया है तो सब्सक्राइब भी करें। साथ में आपको फिर पुनः ऐसी कहानी, ऐसी स्टोरी लेके आऊँगा। तब तक बाय एंड टेक केयर।